हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टेड इन दिस वीडियो राहुल्स लॉ। राहुल्स लॉ की स्टडी करने के पहले हमको यह स्टडी करना पड़ेगी, ये समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि राहुल्स लॉ वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ है। सॉल्यूशन के केस में है तो सबसे पहले समझेंगे हम किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बीकर और कंटेनर है, इसके अंदर कोई लिक्विड है। लिक्विड फेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो कुछ पार्टिकल कुछ मॉलिक्यूल इसके सरफेस पर होते हैं और कुछ डाउनसाइड। तो जो इनसाइड द लिक्विड है उस पर चारों साइड अट्रैक्शन फोर्स एक्ट होगा, इधर भी इधर भी इधर इधर, तो ये अट्रैक्शन फोर्स इस पर बैलेंस रहेगा। लेकिन सरफेस का जो पार्टिकल है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, उस पर डाउन वर्टिकली प्रेशर एक्ट होगा, जैसे सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो टेंशन में रहेगा। उसी फिनोमेना को हम कभी कभी सरफेस टेंशन के नाम से भी जानते हैं, पर यहां पर हम इस सरफेस का जो पार्टिकल है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, इसकी एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास एनर्जी स्लाइटली जो इनसाइड पार्टिकल है, इनसाइड मॉलिक्यूल है, उससे ग्रेटर होती है, क्योंकि ये यहां से निकल करके सरफेस पर गया। सरफेस पर गया तो एनर्जी होगी, और सरफेस पर गया इट मींस उसके पास एनर्जी एक्स्ट्रा होगी। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। अब सरफेस पर जो पार्टिकल है वो यहां से वेपोराइज्ड होगा और सरफेस से क्या होगा, एस्केप, और ये कहां चला जाएगा, कहां मूव करेगा, एटमॉस्फेयर। तो यहां पर कंटेनर क्या है, ओपन कंटेनर है। जब ये लिक्विड का पार्टिकल अपनी सरफेस से एस्केप होता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इवोपोरेट। ये अपनी फेस को चेंज करता है, मतलब लिक्विड फेस से किसमें चेंज हो गया, वेपर फेस में, मींस इसका वेपोराइजेशन होता है। लेकिन कंटेनर कैसा है, ओपन कंटेनर है, तो ये एटमॉस्फेयर में मूव कर जाएगा। ऐसे केस में हम इसको लिक्विड का वेपर प्रेशर नहीं कहते। लिक्विड का वेपर प्रेशर कब होगा, जब कंटेनर ऐसा है। ये वही डायग्राम है फिर से, ये सरफेस का पार्टिकल और ये सरफेस से एस्केप होगा, लेकिन यहां कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर। कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर, बीकर जो है वो क्लोज है। अब ये एस्केप होगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड का सरफेस वाला पार्टिकल अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करेगा, लिक्विड से वो वेपर्स में जाएगा तो सरफेस को एस्केप करेगा, और ये जो वेपर्स है अब इस बीकर से बाहर नहीं जा सकती, और जब ये बीकर से बाहर नहीं जाएगी तो इसी लिक्विड की सरफेस पर क्या एक्ट करेगी, एक प्रेशर, उसी का नाम होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जब कंटेनर क्लोज होगा और उसके पार्टिकल लिक्विड के एस्केप होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वही वेपर्स
उसी लिक्विड की सरफेस पर जब एक प्रेशर एक्ट करेगी, एक्सर्ट करेगी, उस प्रेशर का नाम होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसी से रिलेटेड राहुल सलाह है, पर हम पहले ये स्टडी करेंगे कि ये वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है। जैसे हम किसी लिक्विड को जब बॉइल करते हैं तो हीट सप्लाई की, या इसी का केस लोगे तो हमने इसका वेपर प्रेशर मेजर कर लिया कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है। और लिक्विड के वेपर प्रेशर का मीनिंग है कि लिक्विड का पार्टिकल जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है वो अपनी ही लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा डाउन वर्टिकली, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मेजर कर लिया। अब आते हैं हम कि कोई भी लिक्विड है, कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करता है, लिक्विड से किसमें जाता है, गैस फेस में, वेपर फेस में। अब हमने मान लीजिए कंटेनर में ये लिक्विड है और इसको हीट सप्लाई की और ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, तो वेपर प्रेशर कैसा होगा? अभी अपर वर्टिकली ये लिक्विड का जो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो ओपन कंटेनर के कारण इसका वेपर प्रेशर अपवर्ड मूव करेगा, या पार्टिकल वेपर फेस में कन्वर्ट होकर अपवर्ड मूव करेगा। एक होता है डाउन वर्टिकली। डाउन वर्टिकली कौन एक्ट होता? हमेशा लिक्विड की सरफेस पर डाउन वर्टिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होता है, जो अर्थ के सराउंडिंग में एटीएम है, एटमॉस्फेरिक जो एयर्स या गैसेस मिक्सचर है वो इस सरफेस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो कितना होता है? हमेशा 760 mm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है 760 mm। अब ये डाउन वर्टिकली है और इसका लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसा है? अपवर्ड मूव करेगा। मींस इसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड है और इसकी डाउन वर्टिकली। तो यहां पर दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, दोनों कौन? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों जब ये इक्वल हो जाते हैं, उसी टेम्परेचर का नाम होता है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसे केस में लिक्विड बॉइल होने लगता है, मींस वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर का नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब सिंपल सी थिंक है कि जो लिक्विड जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होगा तय उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा, और जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट ना हो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो हायर होगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इनवर्स टू द बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर इनवर्सली होता है। जितना जिस मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होता है। तो ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, जब लिक्विड अकेला होता सिंगली, जैसे ये लिक्विड है कोई, हम इसको कंसिडर करें, सपोज ये वाटर है, तो जब वाटर सिंगली होगा, इसमें किसी अदर लिक्विड या किसी सॉलिड को मिक्स ना करें, तब तक ये प्योर स्टेज में होगा, और इसके वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जब किसी सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ए सिंबल यूज करते हैं, तो इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे लिखते हैं? P नॉट ए।
ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है जब उसमें हम किसी अनादर मटेरियल को मिक्स ना करें, क्योंकि यहां हम सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब प्योर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो। और सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन का मीनिंग होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस, मींस जिसमें हम दोनों को मिक्स करने के बाद पार्टिकल को आइडेंटिफाई ना कर पाए, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जिनके पार्टिकल की शेप साइज सेम हो तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। अब प्योर सॉल्वेंट में आप कोई अनादर मटेरियल मिक्स करोगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू सब्सटेंस। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट को आप क्या बोलते हो? सॉल्वेंट। और दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलते हो? सॉल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्वेंट जो एक्सेसिव अमाउंट हो, जो मैक्सिमम इन अमाउंट हो उसको हम कंसीडर करते हैं सॉल्वेंट, और जो मिनिमम इन अमाउंट हो सॉल्यूशन के अंदर उसको हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से। तो यहां पर हम राउल्ट्स लॉ की स्टडी करेंगे। राउल्ट्स लॉ किन पर अप्लाई होता है, कैसे कैसे कंडीशन अप्लाई होगी, या कौन सी कंडीशन में राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा उसकी हम बात करेंगे, और फिर राउल्ट्स लॉ की स्टडी करेंगे। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वेपर प्रेशर से। तो हम सबसे पहले हमने समझा कि वेपर प्रेशर क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और दोनों का रिलेशन क्या है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम अब राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे। तो यहां पर लिक्विड के वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, इसलिए हम पहले सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन के लिए है। और उसका रीजन ये है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तो आप 50 बार मैनेज करो, मेजर करो, फिक्स आएगा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एक बार जो डिसाइड हो चुका है वो रहेगा, उसको बार बार चेंज होने का कोई काम नहीं। मींस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर फिक्स वैल्यू है जो चेंज नहीं होती। चेंज कब होता है? जब हम उस प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट को मिक्स करें। तो राउल्ट्स लॉ हमें क्या देता है कि राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होगा, पहला तो ये। दूसरी चीज वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और आइडियल सॉल्यूशन की एक कंडीशनल डेफिनेशन है कि जिसमें हम दोनों को मिक्स करें तो एंथैल्पी चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज ना हो, ऐसी टर्म कंडीशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन पर राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा। तो पहले हम यह स्टडी करें कि इसकी कंडीशन कितनी मिली हमको? दो। वैसे राउल्ट्स लॉ की कंडीशन है टोटल चार। पहली कंडीशन कि राउल्ट्स लॉ डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होता, कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, राउल्ट्स लॉ जब इसमें आइडियल सॉल्यूशन होगा तब राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा, मतलब उन दोनों को हमने मिक्स किया कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है दूसरा सॉल्यूट है, दोनों को मिक्स किया तो उसमें वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए तब आइडियल सॉल्यूशन होगा। एंथैल्पी डज नॉट चेंज मींस ना तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होना चाहिए ना एंडोथर्मिक, ना तो एनर्जी अब्सॉर्ब होना चाहिए ना एनर्जी रिलीज। तो आइडियल सॉल्यूशन की दो कंडीशन बनी, डेल वी आफ्टर मिक्सिंग डज नॉट चेंज, और दूसरी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है? डेल एच आफ्टर मिक्सिंग डज नॉट चेंज। तो ये आइडियल सॉल्यूशन पर राउल्ट्स लॉ अप्लाई होगा। तीसरी कंडीशन है कि राउल्ट्स लॉ एप्लीकेशन, राउल्ट्स लॉ जब अप्लाई होगा किसी सॉल्यूशन पर कि उसमें हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और सॉल्यूट का डिसोसिएशन ना हो, सॉल्यूट डिसोसिएट ना हो, मतलब सॉल्यूट अगर अपने आयंस में डिसोसिएट हो गया
तो समझिए राउसला अप्लाई नहीं होगा। या चौथी कंडीशन, फोर्थ नंबर की कंडीशन, के जो सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया वो एसोसिएट हो गया किसी भी कारण से, तो वहां भी राउसला अप्लाई नहीं होगा। जैसे आपने KNO3, NaCl, KCl इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बनाया, तो इलेक्ट्रोलाइट तो डिसॉल्व होते ही डिसोसिएट हो जाएगा, तब राउल्स लॉ इस पर अप्लाई नहीं होगा। अगर मान लीजिए एसोसिएशन हो गया, जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया बेंजीन सॉल्वेंट के साथ, तो बेंजीन सॉल्वेंट के साथ एसिटिक एसिड डाइमर फॉर्म कर लेगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ऐसे केस में यहां भी ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर राउल्स लॉ के जो अप्लाई है राउल्स लॉ की वो चेंज हो जाएगी। तो ये चार कंडीशन है जिसमें कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस हम समझ सकते हैं। अब यहां पर ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, तो राउल्स लॉ के जो कुछ लिमिटेशंस है, राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन पे अप्लाई होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर अप्लाई होगा, तो टर्म कंडीशन वाला राउल्स लॉ है। टेम्परेचर चेंज होगा तो भी प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्यों कि टेम्परेचर चेंज होना मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, और उसकी कंडीशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये देखें कि राउल्स लॉ है क्या, तो राउल्स लॉ में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बीकर है, इसके अंदर ये प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा वो तो डेफिनेट है, फिक्स है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसको क्या कंसीडर करें हम, पी नॉट ए, ए फॉर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जितने भी सिंबल है ऐसे रिप्रेजेंट होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है। अभी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए। अब जो हम सॉल्यूट को यूज करते हैं उसके बेस पर राउल्स लॉ अलग अलग डिवीजन में किया है। एक ऐसा करें कि पहले राउल्स लॉ हम किसका समझें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो नेचर में रखने पर ऑटोमेटिक वेपोराइज्ड ना हो, उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में भी दो टाइप के सॉल्यूट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट करेगा आयंस में, और एक होता नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन में मिक्स करने के बाद अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। वो कौन कौन होते हैं, यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है, यूरिया ग्लूकोज एंड सुक्रोज, ये तीनों कैसे हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन्हीं की आती है या इन्हीं की ज्यादातर वो बात करेगा, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन वोलेटाइल है। अब पहले हम राउल्स लॉ में किसकी बात करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फिर बात करेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट का। फिर उसमें आता है कि मान लीजिए दोनों ही मटेरियल लिक्विड वोलेटाइल है, तो फिर राउल्स लॉ क्या बोलेगा, तो हम बात करेंगे आपका ये टाइम पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, ये कोई सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए हमने कंसीडर किया, क्योंकि बार बार ये पूरा प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऐसा नहीं लिखा जाता है, सिंबॉलिक बात की जाती है। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, NaCl, KCl, NH4Cl, वो सब इलेक्ट्रोलाइट ही है, तो उनमें आयन डिसोसिएट करेगा और वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चलिए अभी पहले नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने इसमें मिक्स किया, ये मिक्स कर। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल कौन से थे, ए, और सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो गए, बी। पहले इसका वेपर प्रेशर क्या था, प्योर सॉल्वेंट था तो ऑटोमेटिक वेपोराइज्ड होगा, जल्दी से वेपोराइज्ड होगा, तो इसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या था,
हायर होगा जितना भी है जो हमने कंसीडर किया पी नेट ए। अब क्या होता है कि जब हम इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डब्ल्यू बी ग्राम मिक्स करें, कितना ग्राम मिक्स करें डब्ल्यू बी ग्राम, और इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास क्या है एम बी, इसको मिक्स किया इसके अंदर, तो अब क्या होगा कि जैसे ये सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने प्योर सॉल्वेंट में मिक्स किया, तो इसमें मॉलिक्यूल सॉल्यूट के भी आए और वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को एस्केप टेंडेंसी को डिक्रीज करेंगे, मतलब अब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को एस्केप नहीं होने देंगे, क्यों कि अगर ये ऑटोमेटिक वेपोराइज होता वेपर में कन्वर्ट होता है तो ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल है उसको अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करके रोकेंगे, उसको एस्केप नहीं होने देंगे, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेंगे। और अगर आपने मान लो हीट सप्लाई की सॉल्यूशन को, तो हीट अमाउंट को सॉल्वेंट के पार्टिकल के साथ साथ कौन गेन करेगा, सॉल्यूट का पार्टिकल भी तो गेन करेगा, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट, क्यों कि एक तो ये बी पार्टिकल कहां आ जाएगा सरफेस पर, और सरफेस पर आते ही प्योर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के पार्टिकल की एस्केप टेंडेंसी को डिक्रीज करेगा, और एस्केपिंग टेंडेंसी जब डिक्रीज होगी तो एयर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम क्या कंसीडर कर लें पी ए। अब सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने हैं, दो, एक का नाम सॉल्यूट और दूसरे का नाम सॉल्वेंट, सॉल्यूशन होता ही दो कंपोनेंट से, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, या आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं पी एस भी लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन कुछ भी कंसीडर करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी ए को हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कंसीडर किया। अब आते हैं राउल्ट्स लॉ पर, राउल्ट्स लॉ किसके लिए स्टडी कर रहे हैं हम, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, तो राउल्ट्स लॉ का मीनिंग है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर उन्होंने क्या बोला है कॉन्स्टेंट बोला, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्से इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीए, पीए मींस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, एक्स ए फॉर क्या लिख देते हैं एक्स ए इक्वल टू मोल रेशो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट में दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा, और दोनों का मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है वन यूनिट होता है, दोनों का मोल फ्रैक्शन मोल का रेशो सॉल्यूट सॉल्वेंट का टोटल वन के, ये आया राउल्ट्स लॉ। अब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, राउल्ट्स लॉ ने क्या बोला, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से अभी कोई लेना देना नहीं। अब इसको यहां से ये हटाएगा तो पी ए इक्वल टू के एक्स ए, के यहां पर कॉन्स्टेंट है, के को क्या रखा कॉन्स्टेंट। अब ये इक्वेशन नंबर वन, ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है। अब के क्या है, के को कैलकुलेट करें तो प्योर सॉल्वेंट पर चलते हैं, कहां की बात करेंगे प्योर सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट पे अप्लाई करो इसको,
अब प्योर सॉल्वेंट पे जैसे ही इस इक्वेशन फर्स्ट को अप्लाई करोगे तो प्योर सॉल्वेंट में तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू तो 1 होगा ना, सॉल्यूट है ही नहीं, तो मोल फ्रैक्शन x इक्वल टू 1, तो x के प्लेस पे क्या रख देंगे 1। प्योर सॉल्वेंट पे अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, ध्यान से देखिए प्योर सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन x से अकेला होगा, इसलिए x से इक्वल टू 1 x भी होना ही नहीं है उसमें। और x से इक्वल टू 1 पुट अप करोगे तो जब प्योर सॉल्वेंट की बात करोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, क्या होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी नॉट है, तो पी ए के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, पी नॉट है, तो यहाँ चेंज कर फॉर्मूला बदल जाएगा, पी ए के प्लेस पे क्या रखोगे पी नॉट है, के प्लेस पर के, और एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे वन, वन का मतलब कुछ रखने की जरूरत ही नहीं, ये फार्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब के को आपने क्या प्रूव किया, के क्या है, के कांस्टेंट था लेकिन किसके इक्वल है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के, यहाँ लाकर पुट अप कर दीजिए तो फार्मूला बन जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 ये ही राहुल सुना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, क्या बोला राहुल ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए राहुल सुना है। 2 मिनट के अंदर इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे स्टडी करेंगे कि दोनों लिक्विड कैसे हो वोलेटाइल, तो फिर राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, और इसके पहले हम स्टडी करेंगे एक्स ए के प्लेस पर एक्स बी की वैल्यू पुट अप करेंगे, और फिर नॉन वोलेटाइल के लिए ही एक फार्मूला और लाएंगे। 2 मिनट के अंदर इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपने इसको नोट किया, यहां से हम आगे चलते हैं, इसी फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अभी हमने यहां पर एक फार्मूला लिखा है फिर से लिखते हैं। अब x से की वैल्यू हम लेकर के आते हैं, तो अभी आपने फार्मूला लिखा था x से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन यूनिट होता है, मीन्स उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है सबका टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होगा, इसमें से x से पता करो, तो x से इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, यहां ला करके वैल्यू पुट अप करेंगे तो फार्मूला क्या है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स के प्लेस पे क्या रखें 1 माइनस एक्स बी, मल्टीप्लीकेशन करें नया फार्मूला आ जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये फार्मूला आया, इसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ये इधर आएगा पी नॉट ए, ये माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, इस तरह फार्मूला आ जाएगा। अब इसको हम क्या बोले, पहले ये समझे, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, दोनों का डिफरेंस है, तो इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या डिग्रीज इन वेपर प्रेशर, और अगर इसको इसके अपॉन में ले आए तो क्या बन जाएगा फार्मूला पी नॉट ए माइनस पी ए, ये इसके अपॉन में आया, यहां लिखते हैं हम पी नॉट ए इक्वल टू इधर क्या बचा एक्स बी, तो ये नया फार्मूला आ गया। अब इस नए फार्मूले में क्या हुआ, एक्स से तो गायब हो गया, अच्छा ये जैसे ही इधर आया, पहले हमने इसको क्या बोला था डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ
प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिक्स करने के बाद वो वैल्यू है। प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस करना है, डिप्रेशन आ जाएगा। लेकिन जैसे ये इसके अपॉन में आता है तो ये बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बन जाता है ये? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और राहुल सला बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होगा। ये सेकंड फॉर्म है राहुल सला। क्या बोलते हैं हम? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सबी। अब यहां एक्सबी की वैल्यू लाए तो नया फार्मूला आ जाएगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, एक्स बी की वैल्यू क्या होती है? एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल का फार्मूला क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो ये डब्ल्यू बी, बी का मतलब सॉल्यूट और एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोल आए सॉल्यूट के अपॉन टोटल मोल। यहाँ क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन ए, ये एक्स बी का फार्मूला बना। अब एक्स बी के प्लेस पे लाके पुटअप कर देंगे तो नया फार्मूला क्या आ जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन। इस तरह ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला बन गया। फिर इसमें कंडीशन अप्लाई होती है क्योंकि राहुल सला तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन में तो अपॉन में जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है वो तो बहुत लेस अमाउंट में होगा। जब 4% 5% से लेस का सॉल्यूशन होगा तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी नेग्लिजेबल हो जाएगा। तो यहां पर ये बचेगा केवल, ये हट गया, नेग्लिजेबल हो गया, तो फार्मूला क्या बचेगा? P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन टू एम ए अपॉन डब्ल्यू। इस फार्मूले से आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इधर से वैल्यू पुट अप करो, चार वैल्यू गिवन रहेगी, आंसर आ जाएगा। या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सपेरिमेंट करिए और मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या आ जाएगा? एम बी इक्वल टू, ये एम बी इधर आया तो ये इसके प्लेस पे आ जाएगा, आंसर बनेगा डब्ल्यू बी अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। हम इसको इसके प्लेस पे लाए तो ये इसके प्लेस पे आएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इन टू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इन टू पी नॉट। इस फार्मूले से आप क्या पता कर सकते हो? इस फार्मूले से आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास पता कर सकते हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट कौन सा किया? एक्सपेरिमेंट आपने किया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये राहुल सला है सेकंड फॉर्म। अब इसके बाद इसको दो मिनट में आप नोट करिए और इसके बाद हम दोनों लिक्विड वोलेटाइल है तो फिर राहुल सला क्या बोलता है उसके बारे में बात। नोट करिए तेजी से। चलिए नोट किया होगा आपने। अब राहुल सला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बाद आता है कि दोनों लिक्विड वोलेटाइल है तो फिर राहुल सला क्या बोलता है? दो लिक्विड है, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी, और हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। तो जब आप दो वोलेटाइल लिक्विड होगा तो राहुल सला कैसे उसका फार्मूला लाए, कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें? देखिए, एक
ये सॉल्यूशन है, मींस किसी एक को आपको सॉल्वेंट कंसीडर करना, दूसरे को सॉल्यूट, ये दूसरा, ये बी है। अब जब दोनों सेपरेट पोजीशन में होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग बीकर में होंगे, तब इनका वेपर प्रेशर तो डेफिनेट है। तो ए का प्रेशर हम प्योर स्टेज में किसमें लिखें, प्योर सॉल्वेंट, मतलब ए की जब वो सेपरेट है, सॉल्यूशन अभी प्रिपेयर नहीं किया, तब उसका वेपर प्रेशर क्या कंसीडर करें, पी नॉट ए, कितना भी हो सकता है लेकिन हम उसको कंसीडर कर रहे हैं पी नॉट ए। इसका वेपर प्रेशर क्या कंसीडर करें, पी नॉट बी, ये सेपरेट है अभी। अब दोनों को मिक्स किया, ये दोनों को मिक्स कर दिया, अब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। कितने मोल किसके लिए, वो बात का केस है। ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ तो यहां पर अब दो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर है, तो इसका जो प्रेशर है, इसमें जो कंपोनेंट है, अब उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। जैसे ए का प्रेशर है,